हेलो एवरीवन, आरफास किचन में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पनीर की पूरी और छोले मसाला की बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। ये छोले बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं, आप इनको इस तरह से जरूर ट्राई करिएगा। और अगर मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले छोले बनाने के लिए हम कुकर में ले रहे हैं 2 टेबलस्पून ऑयल, उसके अंदर मैं डालूंगी 4 इलायचियां, 6 से 7 काली मिर्च, 6 से 7 लौंग, 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। और अब जब ये गरम मसाले क्रैक होने लगेंगे तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया है, हल्का सा इनको हम फ्राई करेंगे। प्याज के साथ हम इसमें डालेंगे ये 4 हरी मिर्चें चॉप करी हुई और इनको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। जब ये प्याज हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो मसालों में हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब इनको मिक्स कर देंगे। अब इस तरह से मसालों को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 टमाटर जिनको हमने इस तरह से पेस्ट बना लिया है और इन मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मसालों ने तेल बहुत अच्छे से छोड़ दिया है और ये मसाला भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम काबली चने जिनको मैंने 1 दिन पहले भिगो दिया था, मतलब 1 रात पहले मैंने इनको भिगो के रख दिया था। ये हम इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको साइड रख देते हैं। अब छोलों को नेचुरल ब्राउन कलर देने के लिए हम एक पानी रेडी करेंगे जिसके लिए मैं ले रही हूँ 1 ग्लास पानी पैन के अंदर और इसको हम बॉइल्ड आने देंगे। और अब जब ये पानी इस तरह से बॉइल्ड होने लगेगा तो हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच चाय की पत्ती और इसको अच्छे से हम पकने देंगे ताकि चाय की पत्ती का कलर अच्छे से पानी में निकल जाए। लगभग 2 मिनट तक हम इसमें बॉइल्ड आने देंगे। तो अभी चाय की पत्ती ने अच्छे से अपना कलर छोड़ दिया है पानी के अंदर और अब हम इस पानी को छान के डाल देंगे अपने छोलों के अंदर, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच खटाई और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और इनको फिर से एक बार मिक्स कर देंगे। और अब जब इस तरह से इनमें बॉइल्ड आ जाएगा तो हम इनमें सीटी लगाएंगे लगभग 5 से 6 जब तक ये छोले अच्छे से गल नहीं जाते। और अब हम फटाफट से पनीर की एक स्टफिंग बनाकर रेडी करेंगे पूरियों के लिए, जिसके लिए मैंने ये पनीर लिया है लगभग 150 ग्राम के अंदर। हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और लगभग 2 चम्मच हरा धनिया और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये पनीर की स्टफिंग भी अब हमारी रेडी है, इसको भी हम साइड रख देते हैं। और अब हम पूरियों के लिए मैदा गूंद लेते हैं, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा, 1/2 कप आटा, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। पहले इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेल नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक सॉफ्ट आटा गूंद कर रेडी करेंगे। तो अभी देखिए इस तरह से आटे को समेटने के बाद थोड़ा सा तेल हम इस पे लगाएंगे और फिर से इसको 1 मिनट के लिए हम गूंद लेंगे। तो ये देखिए ये आटा हमने गूंद कर रेडी कर लिया है। अब हम इसको साइड रख देंगे लगभग 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। तो अब ये देखिए ये आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके पेड़े तोड़ लेते हैं। इतनी बड़ी आपको पूरियां बनानी है आप उतने बड़े पेड़े ले सकते हैं। तो ये देखिए मुझे इतनी बड़ी पूरियां बनानी है तो मैंने इतना बड़ा पेड़ा तोड़ा है और इसको हम रोल अप करके इस तरह से पेड़ा बना लेंगे। थोड़ा सा तेल लगा लगा कर हम इनको रोल अप करेंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। अब इस तरह से पेड़े बनाने के बाद हम इसमें स्टफ करेंगे ये पनीर। तो अब हम एक पेड़ा लेंगे और उसको एक कटोरी का शेप देंगे और इस तरह से कटोरी का शेप देने के बाद हम इसमें अपनी पनीर की स्टफिंग रखेंगे और इसको ये देखिए इस तरह से हम रोल करके कवर कर देंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी पूरियां स्टफ कर लेंगे। ये देखिए सारे पेड़े हमने फिल करके रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको बेल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा दोनों साइड हम इसके तेल लगाएंगे, हल्का हल्का सा तेल लगा के इसको हमें बेलना है। तो ये देखिए इस तरह से हम अपनी सारी पूरियां बेल कर रेडी कर लेंगे। ये देखिए सारी पूरियां हमने बेल कर रेडी कर ली हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो अब हम सबसे पहले अपने छोले चेक कर लेते हैं। मैंने इसमें 7 सीटियां लगाई थी और कुकर की स्टीम जब अपने आप खत्म हो गई थी तो मैंने इसको ओपन करके देखा, छोले हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और ग्रेवी आपको कितनी रखनी है आप देख सकते हैं, मुझे इसकी ग्रेवी इतनी रखनी है जितनी आप देख रहे हैं। तो ये छोले भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब लास्ट में हम इसमें लगाएंगे तड़का, तो मैं इसमें तड़का लगा लेती हूँ। तड़का वाला पार्ट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी तो मैं आपको बता देती हूँ। पैन में मैंने लिया था 2 टेबलस्पून ऑयल, उसमें मैंने डाला था 1 टेबलस्पून जीरा, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का कटा हुआ लंबाई में और ये मैंने ली थी 6 से 7 हरी मिर्चें। जब ये इस तरह से थोड़ी सी क्रैक होने लगेंगी तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये लाल मिर्च पाउडर और इनको मिक्स कर देंगे। तो ये तड़का अब हमारा रेडी हो चुका है। इस तड़के को अब हम डाल देंगे अपने छोलों के ऊपर। तो अब ये छोले हमारे बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुके हैं।
आप देख सकते हैं। अब हम अपनी पूरियां फ्राई कर लेते हैं। तो अब ये देखिए, जब ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें अपने पूरियां डाल के फ्राई करेंगे। तो इस तरह से पूरियों को पलट पलट कर हम इनको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी पूरियां फ्राई कर लेनी है। तो ये सारी पूरियां हम इस तरह से फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, रेडी हो चुकी है हमारी बहुत ही टेस्टी छोलों की सब्जी और पनीर की पूरियां। ये बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुई है। ये देखिए, पनीर की स्टफिंग हमने इसके अंदर करी है। तो ये देखिए छोले कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो इनको जरूर आप इस तरह से ट्राई करिए, बहुत इजी रेसिपी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आप सबके लिए लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।